गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रात के 11 बज रहे हैं इस समय और आई एम हेडिंग टुवर्ड्स अनदर इंटरेस्टिंग जर्नी। और मैं इस समय भी कैब का वेट कर रही हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। इस समय मैंने ग्रैब से बुक किया है, जो एयरपोर्ट जो है मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो ऑलमोस्ट मुझे एयरपोर्ट पहुँचने में के लिए $30 देने पड़ रहे हैं। मिनट में मेरी टैक्सी आने वाली है। बहुत गर्मी हो रही है सिंगापुर में, और जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग है, वो माइनस डिग्री में चल रहा है। ये देख सकते हैं मेरी कैब आ गई है जो मैंने बुक की थी। मैं अब कैब में बैठ गई हूँ और आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट नाउ। फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ। ये है चांगी एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। ये देखिए कितना ज़्यादा क्राउड लग रहा है इस समय। मैं स्कूट से फ्लाई कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ जापान के नॉर्दर्न आइलैंड। मैं जा रही हूँ होकाइडो की कैपिटल सप्पोरो। चलिए मैं जो है चेक इन वगैरह करती हूँ और बोर्डिंग पास लेती हूँ, फिर आगे मिलते हैं आपसे। हमने आप ये क्यू देखिए, क्यू देखिए, वो क्यू तो थी ही उधर, उधर नहीं आपको डायरेक्ट जाना है, उस बाहर लंबी क्यू लगी हुई है, यहाँ पर आपको खड़े होना है, फिर वो बैच बाई बैच उधर आपको भेज रहे हैं। माय गॉड, क्यू तो देखनी बनती है। माय गॉड, इतनी लंबी क्यू, कभी मैंने इतनी लंबी क्यू नहीं देखी है। जिंदगी में पहली बार इतनी क्यू देखी है कि चेक इन एरिया के बाहर तक क्यू है। माय गॉड, लग रहा है सब जापान जा रहे हैं। अभी घंटे से ऊपर हो गए हैं, फिर भी मैं अभी चेक इन के क्यू में हूँ। पता नहीं कब नंबर आएगा, बहुत लंबी क्यू अभी भी है। 35 मिनट्स के वेट के बाद अब मैं फाइनली चेक इन एरिया में आई हूँ। यहाँ पे भी अब क्यू है, आप देखो। 1.5 घंटे के ऑलमोस्ट वेट के बाद अब मेरा नंबर आने वाला है बोर्डिंग पास लेने के लिए। 1.5 घंटे के वेट के बाद मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिला। माई गॉड, इतनी लंबी क्यू और इतना वेट मैंने कभी नहीं देखा था। ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब देख रहे हैं इधर से, अब मुझे बोर्डिंग गेट के तरफ जाना है, ये डिपार्चर एरिया है। चलिए अब उधर अंदर चलते हैं। 1.5 घंटे लाइन में खड़े खड़े मैं थक गई। चलो थोड़ा बैठ लिया जाए, फिर आगे बोर्डिंग के लिए चलेंगे। मेरा बोर्डिंग गेट नंबर D49 है और बोर्डिंग लगभग 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। बोर्डिंग काउंटर पे जो बंदी थी वो मुझसे पूछने लगी कि आपको जापान का मल्टीपल एंट्री वीज़ा कैसे मिल गया, क्योंकि वो शॉक्ड रह गई कि इंडियन पासपोर्ट पे जापान का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। मैंने कहा पता नहीं जापान ने मुझे कैसे मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे दिया। मे बी उन्हें लगा होगा कि मैं हर साल जापान आऊँगी, इसलिए शायद उन्होंने दे दिया होगा मल्टीपल एंट्री वीज़ा। और फिर वो मुझसे पूछने लगी प्रोसेस क्या है और कितने जो है वीज़ा फी क्या लगती है। और दूसरा, वो इस बात से भी शौक थी कि पहला इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो है अकेले, वो भी एक लड़की जो है सप्पोरो जा रही है, क्योंकि इतनी देर जब तक उसने चेक इन वगैरह बोर्डिंग पास दे रही थी, कोई भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं था जो जापान जा रहा था। उसने मुझे बताया कि आपसे पहले एक बंदा था जो मगर वो जापनीज़ पासपोर्ट होल्डर था, मगर इंडियन ओरिजिन का था, जो जापान में सप्पोरो जा रहा था। चलिए अब बोर्डिंग गेट की तरफ चलते हैं। यहाँ सिंगापुर में रात के एक बजे से ज़्यादा हो चुका है। चलिए चलिए, मेरा बोर्डिंग गेट जो है D49 है। चलते चलिए बोर्डिंग गेट की तरफ। माय गॉड, अभी सिर्फ D44 आने वाला है, मुझे D49 तक जाना है। ये देखिए चांगी का एयरपोर्ट। आप भी क्यों देखो बोर्डिंग के लिए अंदर जाने के लिए भी कितनी लंबी क्यू है भाई। आज तो हर जगह मुझे क्यू ही दिख रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी ही चेकिंग हो रहा है मेरे बोर्डिंग गेट के पास, मेरे बोर्डिंग गेट पे। सामने अब डिपार्टिंग गेट के पास आ गए हो। समय आ गया है फ्लाइट बोर्ड करने का और मैं जा रही हूँ फ्लाइट की तरफ। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। ये आ गई स्कूट की फ्लाइट। ये देखिए फ्लाइट, मेरी सीट है 26K। ये स्कूट की फ्लाइट तो काफ़ी बड़ी लग रही है। ये बड़ी बड़ी फ्लाइट है। जापान जो है सिंगापुर से 1 घंटे आगे है और इंडिया से 3.5 घंटे आगे है।
और मैं सुबह जो है सपोरो 10:30 बजे पहुँच जाऊँगी। सपोरो के एयरपोर्ट पे जो मैं सुबह पहुँचूँगी उसका नाम है न्यू चितोसे एयरपोर्ट। फ्लाइट बस अब डिपार्चर को रेडी है। अब आपको सिंगापुर से बाय बाय, मिलते हैं 7.5 घंटे बाद जापान में सपोरो में। टिल देन गुड नाइट। जापान। सो गुड मॉर्निंग एंड हाई फ्रॉम जापान। और अब बस वेट कर रहे हैं प्लेन से बाहर जाने का। ये देखिए कितने सारे लोग हैं प्लेन में। ये सब सिंगापुर से आ रहे हैं, सब जापान घूमने आए हुए हैं। फाइनली इमिग्रेशन हो गया और काफ़ी लंबी क्यू थी। अगर आप जापान आ रहे हैं इस समय तो विजिट जापान की वेबसाइट पे जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे ज़रूर फिल कर लीजिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती हैं। अगर आपने नहीं फिल की है तो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन है वो पहली है कोविड रिलेटेड जो आपको फिल करनी पड़ती है, दूसरी है इमिग्रेशन रिलेटेड, तीसरी है आपको कस्टम्स रिलेटेड। और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप पहले से फिल करके आइए। 11 बज रहे हैं भाई। ओ, कल के रात के चले हुए तोते उड़ गए हैं। चलिए कुछ खाते वाते हैं, फिर आपसे आगे मुलाकात करती हूँ। वैसे मुझे अभी जीआर काउंटर पे जाना है। मुझे डोमेस्टिक एयरपोर्ट जा रही हूँ आगे की जर्नी के लिए, तो डोमेस्टिक पे वहाँ पे जीआर काउंटर है जहाँ से मैं जीआर पास लूँगी, जापान रेल पास। और सपोरो सिटी जाने के लिए मैं जीआर ट्रेन लूँगी जो सपोरो सिटी को जाती है। अपने जे आर इन्फॉर्मेशन डेस्क देख रहे हैं। ये जे आर काउंटर है जहाँ पे आके मैंने जो अपना एक जे आर पास का एक्सचेंज ऑर्डर लिया था वो आके यहाँ पे एक्सचेंज करूँगी मैं पास से, तो मुझे जापान रेल पास मिल जाएगा। और ये जे आर काउंटर जो है आपका B1 पे है डोमेस्टिक एयरपोर्ट के। जापान रेल पास ले लिया है, मेरा जापान रेल पास 7 डेज का है जो आज एक्टिवेट हो गया, तो मैं उसको 29 दिसंबर तक यूज़ कर सकती हूँ। जो ट्रेन है सपोरो सिटी की वो 3:30 बजे है। चलिए अब कुछ खा लिया जाए, बहुत तेज़ भूख लग रही है। टूना सैल्मन जो मैंने अभी ऑर्डर किया ये देखिए। सपोरो सिटी जाने के लिए रेडी हूँ और मैं ये जिया स्टेशन है इधर आ गई हूँ। वहाँ पे ट्रेन आएगी 3:30 बजे जो मुझे सपोरो सिटी लेके जाएगी। ठंड का हाल देखे, मैं एस्किमो बन गई हूँ। पूरा कैप वैप सब लगा लिया है मैंने। ये देखिए आ रही है मेरी ट्रेन जो सपोरो सिटी जाएगी। नॉर्मल ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन नहीं है सपोरो सिटी के लिए। कुछ बोगीज जो होती हैं रिजर्व्ड होती हैं और कुछ अनरिजर्व्ड होती हैं। तो रिजर्व्ड वाले में अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको जो है अपनी सीट रिजर्व करवानी पड़ती है पहले से। बोगी नंबर 4 है जिसमें मैंने जिसकी सीट रिजर्व करवा ली थी जेआर काउंटर से। चलिए इसमें चलते हैं। आप अंदर से ट्रेन की कोच ऐसी है, मैंने रिजर्व सीट कर ली थी, तो ये मेरी सीट है। ये और सीट आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल भी है। सीट पे बैठ गई हूँ और आधे घंटे में मैं सपोरो सिटी पहुँच जाऊँगी।
ये जिस ट्रेन से मैं सफ़रो सीटें जा रही हूँ ये JR ऑपरेटेड ट्रेन है, तो अगर आपने JR पास लिया हुआ है तो ये इसमें कवर हो जाती है, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। व्यू देखिए बाहर ट्रेन से, माय गॉड पूरी वाइट चादर फैली हुई है स्नो की। सफरो सिटी पहुंच गई हूँ और मैं JR स्टेशन से बाहर आ गई हूँ और मैं अब अपने होटल की तरफ जा रही हूँ। और आप मेरी हालत देख सकते हैं कि मैंने कितना कुछ पहना हुआ है, तो आप यहाँ का टेम्परेचर की का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड हो रही है। और अभी भी बहुत ही हल्की हल्की सी स्नोफॉल हो रही है। चलिए मैं अपने होटल के लिए अब चलती हूँ, फिर आपसे बाद में मुलाकात करेंगे।